झारखंड राज्य सहित देश भर में एनआरसी सीए जैसे मामलों को लेकर विरोध जारी है। वहीं अब इन सभी कानून के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने अपनी लड़ाई लड़ते देखे जा सकते हैं। यही कारण है कि सामाजिक संगठन सरकार द्वारा लाए गए इस कानून का विरोध जता रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड नागरिक प्रयास के बैनर तले रांची में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मौजूदा वक्ताओं ने जमकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कानून का विरोध जताया। मौके पर हमारे संवाददाता रिजवान वहां मौजूद थे। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर। देखिए, ये आज का सेमिनार हमारे मानने में जो देश भर में एक मुहिम चल रही है, सेमिनार हॉल के अंदर भी, सड़कों पे भी, कि एक विरोध प्रतिरोध का एक हिस्सा है कि एक तरह से मुद्दे को मतलब सीए एनपीआर एनआरसी का विरोध करना और साथ साथ लोगों को संबोधित करके इसके बारे में और समझाना। क्योंकि हम कई लोग हैं जिसका इसके बारे में थोड़ा तजुर्बा ज़्यादा है, क्योंकि हमने आसाम में काम किया है, ये नागरिकता को लेकर कानून का समझ वगैरह, तो वही विरोध प्रतिरोध को और गहरा बनाने के लिए तजुर्बे शेयर करके और भी ये विरोध को ज़्यादा जगह तक फैलाना, ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाना, ताकि लोग समझे कि ये जो एनपीआर का प्रयास शुरू होने जा रहा है वो कोई भी तबके को इससे बचने वाले नहीं। ये कानून देश को, समाज को, अर्थनीति को, सबको विभाजन और रसातल में ले जाने के लिए बनाए गए हैं। और जिसको कि साफ शब्दों में कहा जाता है कि जब कोई फासिस्ट सरकार आती है और फासिज्म बहाल करना चाहती है तो मुख्य मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरह के डिविसिव मुद्दे लाती है। और पूरे विश्व में अगर इतिहास आप 200 साल का देखिएगा, राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेज, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, सब में ये हुआ है कि जब सरकारों के पास में कुछ अच्छा करने को नहीं होता है, उनके पास क्रिएटिविटी, सोच नहीं होती है, तो इस तरह का वो विभाजन का चीज़ लाते हैं, जो कि किसी भी देश का, समाज के लिए आज तक कभी कोई भला नहीं हुआ है। और हम लोग भी उसी मोड़ पर आज खड़े हैं।